हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर आपका फाइनेंशियल मार्केट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है सेबी। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने डिपॉजिटरीज और ट्रेडिंग प्रोसीजर ये सब क्या होता है वो सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि चैप्टर एक सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आए। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि सेबी क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो सेबी का फुल फॉर्म, सबसे पहले सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जिसमें सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उसे हम सेबी कहते हैं, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वॉज सेटअप इन 1988, सबसे पहले ये सेटअप हुई थी 1988 में टू रेगुलेट दी फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट जो है उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। सिक्योरिटीज़ मार्केट का मतलब है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उन्हें हम सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं। तो वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज सही से काम करें एक रेगुलेटेड वे में, तो उसको उनके ऊपर एक प्रायर अथॉरिटी सेटअप की गई जिसको सेबी कहते हैं। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व एक्टिविटीज़ बट वॉज फाउंड इन इफेक्टिव एज अ रिज़ल्ट। इसको हम सेबी को हम एक वॉच डॉग भी कहते हैं क्योंकि इसका मेन काम था कि ये सारे के सारे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज पर अपनी नज़र रखे ताकि कहीं कोई भी आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ वगैरह ना हो। लेकिन इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली थी सेबी को, इस वजह से वो अपने इस काम को ठीक से कर नहीं पा रहा था, यानी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, कई क्षेत्र में इनएफेक्टिव था। तो इसके लिए सेबी को पावर प्रोवाइड की गई मई 1992 में, जिसमें हम कह सकते हैं कि सेबी को एक लीगल स्टेटस ग्रांट हो गया, एक लीगल एक कानूनी पहचान मिल गई सेबी को। तो कब मिली? वो मई 1992 में। तो दोनों में अंतर है, 1988 में ये फॉर्म हुआ था और 1992 में इसे एक लीगल स्टेटस मिला था एज अ कॉरपोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल स्टेटस या फिर एग्जिस्टेंस। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नाम से जहाँ पे कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस है, अपनी एक अलग कानूनी पहचान होगी एंड परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि ये अपने ओनर्स वगैरह की लाइफ पर डिपेंड नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही होता है कि जितने भी उस कंपनी को चलाने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने वाले लोग हैं, अगर वो कंपनी छोड़ भी देते हैं फॉर सम रीजंस तो भी आपकी कंपनी बंद नहीं होगी, उसे उस फीचर को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो सेबी को इसी तरह की पावर दी गई, वेदर देयर ओनर्स कम और गो, उस पर सेबी के फंक्शंस पर उस कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उसकी वर्किंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो वो परपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया गया सेबी को इन मई 1992। तो ये हो गया आपका सेबी का मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सेबी के कई आपके बेसिक फोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सेबी के फंक्शंस हैं, जिनमें तीन फंक्शंस आते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो आप आगे के वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। वन बाय वन हम एक हर एक फंक्शन को ठीक से डिस्कस करेंगे क्योंकि फंक्शन से आपकी केस स्टडी फॉर्म होती है। तो वो वीडियोज़ जो आगे की बनाऊँगी मैं, वो ज़रूर आप देखिएगा, आपके केस स्टडी सॉल्यूशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेबी के क्या हैं, यानी कि सेबी किस एम से चलता है। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा कि सबसे एक जो मेन ऑब्जेक्टिव वो सेबी अपने साथ लेकर चलती है वो ये है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन आते हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स यानी कि जो शेयर्स बाय और सेल में अपना पैसा लगा रहे हैं उन इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके साथ कोई फ्रॉड कोई चीटिंग ना होने पाए इस चीज़ को इंश्योर करना, और साथ ही साथ उनके इन्वेस्टमेंट को सही जगह यूटिलाइज करना। तो ये सारी चीज़ें देखता है सेबी। टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन।
किसी भी तरह का फ्रॉड वगैरह या माल प्रैक्टिस ना कर पाएँ कंपनीज भी अपने पार्ट पर किसी इन्वेस्टर के साथ, तो ये भी देखने का काम सेबी का होता है, जिसमें वो बाय इम्पोजिंग वेरियस रेगुलेशंस, बाय इम्पोजिंग वेरियस रूल्स, वो चेक करती है कि फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी कैसी है आपकी कंपनी की या पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की, तब जाके वहाँ पे आपके शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। यानी कि अलग अलग रूल्स वगैरह इम्पोज कर देना, ताकि किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में ना ही कंपनी इंगेज हो और ना ही इन्वेस्टर के साथ कोई चीटिंग हो। नेक्स्ट आते हैं टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं यानी मिडलमैन हैं जो कि शेयर्स को बाय और सेल करने में इन्वेस्टर की और कंपनीज की हेल्प करते हैं, यानी कि वो पूरा चेन जिसमें ट्रेडिंग प्रोसीजर में जितने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक इन्वेस्टर को और एक आपके कंपनी को आपस में बाय और सेल करवाते हैं शेयर्स या सिक्योरिटीज़ वगैरह, वो सारे मिडिलमैन्स को प्रॉपरली रेगुलेट करना और उन पर कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, यानी कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अंडर उनसे काम करवाने का जो एक प्रोफार्मा है वो डेवलप करने का या वो फॉर्म करने का काम सेबी का होता है, जिससे आपके ब्रोकर अंडरराइटर किसी भी तरह की चीटिंग ना कर सकें, ना ही इन्वेस्टर के साथ और ना ही कंपनीज के साथ। पहले के समय में ये होता था कि ब्रोकर को पूरी तरीके से अकाउंट का कंट्रोल दिया जाता था, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल जो दाम वगैरह होते थे शेयर्स के उनको मॉडिफाई करता था, बट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के बाद और डीमेटेरियलाइजेशन लगा देने के बाद और ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ रिड्यूस की हैं सेबी ने। तो इसलिए सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं कहूँ तो यही है कि जितना भी ट्रेडिंग प्रोसीजर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको रेगुलेट करना और उन सबको बाकायदा रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट में रखना, ताकि किसी भी तरह की मिसहैपनिंग या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ना हो सकें। साथ ही साथ ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है, तो उसका लिंक भी आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर नहीं पता है। सो अगर मैं सिंपल कहूँ तो सेबी एक आपकी ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन है, या मैं कहूँ तो एक ऐसी कॉरपोरेट बॉडी है जिसका अपना सेपरेट लीगल स्टेटस है और साथ साथ उसका अपना परपेचुअल सक्सेशन है। सिंपली कहा जाए तो सेबी एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही है बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम इंडिया के जितने बैंक हैं उसको होल सोल कंट्रोल करने का काम किसका है, तो आरबीआई का है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी हम जिनको फादर ऑफ बैंक्स कहते हैं, उसी तरीके से हम सेबी को भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि सेबी का मेन जो काम है वो क्या है, सारे पूरे इंडिया भर के जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करते रहने का काम है। सो दिस इज़ व्हाट सेबी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड में आपका ये जनरली थ्योरी क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन सेबी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, तो थ्योरी सेक्शन के लिए आप बिल्कुल इन नोट्स के स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे कि किस तरीके से आपको आंसर फॉर्म करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फंक्शंस ऑफ सेबी डिस्कस करूंगी, जो कि आपके केस स्टडी और थ्योरी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। बाकी वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स में और फ्रेंड्स में, ताकि टॉपिक जो है वो एक सीक्वेंस वाइज क्लियर हो सके सबको। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो डालते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।